हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। दिस इज श्रुति पंडित आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी पेंसिल्स यूज़ करती हूँ डार्क एरियाज़ के लिए, लाइट एरियाज़ के लिए। तो मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो कंप्लीट वीडियो एंड तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आपको क्लियरली सारी पेंसिल्स शो हो रही होगी। तो इतनी कुछ पेंसिल्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी आर्टवर्क्स को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं बेसिकली आपको बताऊँ सिंपल, तो मैं यूज़ करती हूँ हार्ड पेंसिल कैमलिन की चारकोल की, एक मीडियम पेंसिल और एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो ये तीन हैं जिनके ये सारे और पेंसिल्स हैं मतलब। और ये है आर्ट लाइन की पेंसिल्स, और इस पेंसिल का मैं यूज़ करती थी अपनी आर्टवर्क्स को ड्रॉ करने के लिए जो मैं स्टार्टिंग में बनाती थी। तो मैं इसी पेंसिल का यूज़ करती थी अपनी आर्टवर्क्स को बनाने के लिए। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तभी जाके मैंने ये पेंसिल्स यूज़ किए डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए। बाकी आर्ट लाइन की पेंसिल्स मैंने एक महीने पहले ही परचेज़ की है, तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसकी रिव्यू वीडियो। और बाकी इन सब की भी रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप पर्टिकुलरली दोनों पेंसिल्स का देख सकते हो। तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये किस तरह से आती है। तो कुछ इस तरह से आती है ये पेंसिल्स। तो इन सॉफ्ट मीडियम हार्ड इसका पैक होता है, ये आपको मार्केट में ये 60 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा या 55 का मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप नॉर्मल स्टेशनरी की दुकान से भी इसको ख़रीद सकते हो। और अगर आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही पैक चाहिए ओनली, तो कुछ इस तरह से आता है, तो आप ऐसे भी ख़रीद सकते हो। 10 पेंसिल्स आती है ऐसे बॉक्स में। और अगर आपको मीडियम का चाहिए तो आप उसका भी पैक ख़रीद सकते हो, कुछ इस तरह आती है। 10 पेंसिल्स आती है दोनों में, तो आप ले सकते हो। मेरे को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और मीडियम का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने दोनों की 10 पेंसिल्स का पैक ख़रीद लिया था। और बाकी स्टार्टिंग में मैं इसका ऐसा पैक लेती थी, बट अब मैं ऐसे ही ले लेती हूँ एक साथ 10 पेंसिल्स का पैक। तो कुछ इस तरह से आता है ये अराउंड 250 तक का पड़ जाता है। और एक पेंसिल आती है, जैसे कि अगर इस पेंसिल की बात की जाए तो ये 20 की आती थी, पर अब 25 की आने लगी है शायद। तो मार्केट में इसका प्राइस शायद बढ़ गया है, वैसे आप चेक कर लेना आपकी जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे इसका प्राइस कितना है। वैसे 20 या 25 रुपीज़ है इसका। और आर्ट लाइन के पेंसिल्स का पैक कुछ इस तरह से आता है। तो 6 पेंसिल्स आती है इसके अंदर, ये वाली 6 पेंसिल्स आती है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, ये सबसे पहले आती है HB ग्रेड, फिर 2B ग्रेड आती है। जिस तरह से ग्रेड बढ़ती जाती है उस तरह से इसके शेड्स जो है वो डार्क होते जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया 4, ये 10B है, ये 4B ग्रेड है, 6B, 8B, 10B। तो ये कुछ पेंसिल्स आती है, तो आप इनका देख सकते हो। अगर आपको आर्ट लाइन की पेंसिल्स यूज़ करनी है तो आप आर्ट लाइन की भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। इसमें जो 10B है वो काफ़ी डार्क होती है, बस ये ग्रेफाइट पेंसिल्स होती है, तो इसमें शाइन काफ़ी होता है, तो आपके आर्टवर्क्स में भी शाइन होगा। तो बस आपके अकॉर्डिंग आप अपनी आर्टवर्क्स को बना सकते हो। अगर आपको ग्रेफाइट से बनाना है तो आप ग्रेफाइट से बना सकते हो, चारकोल से बनाना है तो आप चारकोल से ही बना सकते हो। और अगर आपको चारकोल और ग्रेफाइट साथ में यूज़ करना है, जैसे कि आपने मेरी ड्राइंग्स अगर देखी होगी तो मैं दोनों को साथ में यूज़ करती हूँ। जैसे कि एक ड्राइंग में कहीं लाइट एरियाज़ होते हैं, कहीं डार्क एरियाज़ होते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हुए इन पेंसिल्स का यूज़ करती हूँ। और बाकी ड्राइंग की आउटलाइनिंग बनाने के लिए मैं इस पेंसिल का यूज़ करती हूँ, 0.5 सकुरा की। तो इसका ग्रीन बॉडी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, तो आप उस लिंक की हेल्प से परचेज़ कर सकते हो। और बाकी इसी तरह से जैसे कि ये पेंसिल्स आपको दिख रही होगी, तो कुछ इतनी पेंसिल्स मैंने अभी तक यूज़ कर ली है, और बाकी 2-4 और है जो मेरी टूट चुकी थी। तो ये कुछ पेंसिल्स है, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, और जैसे कि आप देख रहे होगे कि मेरे पास कुछ छोटी पेंसिल्स भी हो गई हैं। इस तरह से यूज़ करते करते इनको आप
फेंक नहीं पाओगे क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आती है। एक पेंसिल्स 20 या 25 रुपीज़ की पड़ती है, जिसके कारण इनको इतनी छोटी हो जाने के बाद भी मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी यूज़ करोगी और इनका यूज़ किस तरह से आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह से तो यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी आप पेन की निप निकाल के उसका होल्डर बना सकते हो। और वैसे ये पेंसिल एक्सटेंडर आता है, तो इसे भी मैंने पेंसिल्स लगा रखी है पेंसिल, तो आप देख सकते हो ये भी छोटी हो चुकी थी, तो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी आसान होता है इससे ड्रॉ करना, इसकी हेल्प से तो हेल्प मिल जाती है। तो कुछ इतना ऐसा आता है, ये इतना बड़ा होता है। तो इधर आप थोड़ा सा मोटी पेंसिल्स जो भी होगी कोई भी वो लगा सकते हो। बस आपको ये जो दे रखा है होल्डर, आपको इसको पीछे करना है कुछ इस तरह से, और पेंसिल इसके अंदर लगा के इस तरह से आपको इसको आगे कर देना है, तो आपकी पेंसिल्स नहीं निकलेगी। इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए पेंसिल। बाकी इसमें मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, जैसे कि सबसे छोटी मेरे पास ये वाली पेंसिल है, तो मैं ये लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो काफ़ी इजीली आप एक ग्रिप बन जाती है, तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से, और अब मैं आपको दिखाती हूँ चारकोल पेंसिल। अप्सरा की चारकोल पेंसिल है ये, और ये थी कैमलिन की चारकोल पेंसिल। तो मैं ये दो चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करती हूँ। तो इसका भी सेम प्राइस है, 60 या 55 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। और बाकी ये पेंसिल्स में और इस पेंसिल्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो मैं इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। इसमें जो हार्ड वाली पेंसिल है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, उससे जो टेक्सचर आता है काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल रफ सा टेक्सचर आता है, तो वो मेरे को काफ़ी पसंद है। और ये है पेंसिल लेड, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। पेंसिल के अंदर लगती है ये पेंटल की 4B 0.5 लेड, तो आप देख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरह से लेड्स आती है इतनी पतली सी, तो इससे बिल्कुल बारीक ड्रॉ हो पाता है, इसलिए मैं इनका यूज़ करती हूँ। शार्प भी नहीं करना पड़ता, तो इजी रहता है, इससे जल्दी जल्दी ड्रॉ भी हो पाता है इजीली, और प्रॉब्लम भी नहीं होती है ड्रॉ करने में, इसीलिए मैं इनका यूज़ करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस इसमें मैं ये बताना चाहती थी कि इन पेंसिल्स का ही मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा कोई भी पेंसिल का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि एक बार आप अपनी सारी पेंसिल्स दिखा दो, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो इसी पर बनाई है कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कौन सी पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको भी इससे हेल्प मिलेगी कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर सकते हो अगर आप एक बिगनर हो तो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी मेरी ड्राॅइंग्स की। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कंप्लीट रिव्यू वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, कीप ग्रोइंग। Bye.